Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is Trees, written by Shirley Pever. अब सबको पता है trees क्या importance है trees की हमारी life में, ये सबको पता है कि trees हमें सबसे main क्या देते हैं, हमें oxygen देते हैं, right? और इसका जो एवरी पार्ट हम जो है अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, पत्तियों से लेके जो है रूट्स तक जो है हम इसका यूज करते हैं. फिर भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट, अपने यूज के लिए जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. और दूसरा क्या है, पक्षियों के लिए भी क्या है, ये नेस्ट है, होम है नेचुरल, क्योंकि वहां पे वो क्या बनाते हैं, अपने घोंसला बनाते हैं, बच्चे वहां खेलते हैं. तो यहाँ पे पोएट ने यही बताने की कोशिश करी है कि ट्रीज आर कितना हमारी लाइफ में जो है इम्पोर्टेंट है, कि हम किस तरह से जो है, क्योंकि हम लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, और किस तरह से एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, क्योंकि पेड़ जब कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वायु जो एटमोसफियर है वो भी क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ जाएगी. तो इसी को जो है पोएम के थ्रू जो है पोएट ने जो है बताने की कोशिश करी है शर्ले बेवर ने, और इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट द पोएम ट्रीज, और रिटन बाय शर्ली टॉल्सन, सॉरी बेवर, ठीक है. तो ट्रीज जो है, पोएट का नाम है शर्ली बेवर, राइट. जैसे अभी मैंने बताया है ट्रीज, पेड़, सबको पता है पेड़ हमें क्या करते हैं, छाया देते हैं, गर्मियों में छाया देते हैं, और सर्दियों में क्या होती है कि जो धूप छन के आती है हमारे पास, क्योंकि हमें क्या है विंटर्स में जरूरत पड़ती है, तो इन्हीं चीजों को, और पेड़ों के लिए, और पेड़ किसके लिए, चिड़ियों के लिए क्यों यूजफुल है, बच्चों के लिए क्यों यूजफुल है, ये सारी बातें जो है पोएम के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है पोएट. तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन क्या है, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ. सबको पता है कि ट्रीज जो है, पेड़ जो है हमारी लाइफ में जो है कितने इंपॉर्टेंट है, हमें जो है सब कुछ जो है, फ्रूट्स जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, लकड़ी टिम्बर कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ों से मिलती है, मेनली जो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन जो है हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, कौन प्यूरिफाई करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, पेड़ करते हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने हर्ब्स हमें यहाँ से मिलती हैं. तो और लकड़ी का आपको पता है घर में है, टेबल है, डोर्स है, सब किसके बने हैं, लकड़ी के बने. तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि कितने इंपॉर्टेंस है ट्रीज इन आर लाइफ. अकॉर्डिंग टू हर, शर्ली बेवर ने बताया कि अकॉर्डिंग टू हर ट्रीज हेल्प अस इन सेवरल वेज. जो ट्रीज हैं, पेड़ जो हैं बच्चों, किस तरह से हमारी हमारी ही नहीं एनिमल्स और बर्ड्स की, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट किसका है, होम्स ऑफ या शेल्टर ऑफ किसका है, एनिमल्स का है, वाइल्ड एनिमल्स का है, राइट. तो दे आर होम्स फॉर बर्ड्स, क्योंकि चिड़िया क्या बनाती है, वहां पे नेस्ट बनाती है, अपना घोंसला बनाती है. एंड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का क्या है, शेल्टर है, एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कंफर्ट फॉर अस. जैसे मैंने बताया गर्मियों में क्या है, हम ढूंढते हैं छाया, कौन देता है हमें शेड, पेड़ देते, तो हम लोग देखते हैं कहाँ पेड़ लगे हैं, कंफर्ट फॉर अस. और कंफर्ट फॉर अस मीन्स हम जो हमारे घर में फर्नीचर है किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, राइट. तो ये भी कहाँ से मिलता है, हमें ट्री से मिलता है. द पोएम हैज बीन रिटन इन ए सिंगल लॉन्ग स्टेंजा, However, I have divided into two parts. अब यहाँ पे जो है जो पोएटस हैं शर्ली बेवर, और उन्होंने जो ये पोएम है एक पूरा सिंगल जो है स्टेंजा है, बट यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, तो राइट. तो ट्रीज कितना हमारे हेल्पफुल है, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट टू अस इन आर डेली लाइफ, या वैसे भी जो है कैसे हमारे इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स के लिए है, एनिमल्स के लिए है, राइट. Now this is your first stanza. अब यहाँ पे बोल रहे हैं trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree house in houses in, trees are to swing swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in height and seat, trees are to have tea parties under,
ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। अब पेड़ क्या है? ठीक है, सबने पेड़ देखे होंगे, कभी आपने ऑब्जर्व करा है, कभी आपने नोटिस करा है कि पेड़ हमें क्या क्या करते हैं, पेड़ में कौन कौन रहता है, पेड़ में किस तरह से हम लोग जो है झूला डाल के खेलते हैं, किस तरह से विंड चलती है, हवा चलती है, किस तरह से उसमें काइट कभी जो है काइट जो है उसमें फंस जाती है। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व करा है, कभी आपने देखा है कि जब हवा चलती है और कैसे हम जो है पेड़ के पीछे छिप के हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व करा है इसको? नहीं करा है तो बच्चों कभी किसी बड़े पेड़ के पास जाके देखना कि किस तरह से चिड़िया जो है वहां पे चहचहाती रहती है, अपने नेस्ट बनाती है वहां। अब जो है उनके जो छोटे छोटे जो है बच्चे भी वहां पे जो है किस तरह से ग्रो करते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपको मौका मिले तो आप लोग भी उसको देखें। तो यहाँ पे ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, व्हाट शी मीन, क्या मतलब है यहाँ पे, शर्ली ने क्यों बोला है यहाँ पे पोइटेस ने, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, क्योंकि चिड़िया जो है वहां पे क्या बनाती है बच्चों, नेस्ट बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। कई बार आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो है कभी पेड़ रहे होंगे, पेड़ होंगे, तो उसमें देखा होगा चिड़िया क्या बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है। और किस तरह से जो है एक एक तिनका लेके कितनी मेहनत से जो है वो वहां पे अपना नेस्ट बनाती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई है ट्रीज की, कि इम्पोर्टेंस हमारे लिए ही नहीं है, इवन बर्ड्स के लिए भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स, क्योंकि नेस्ट बनाती है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो चिड़िया कहाँ नेस्ट बनाएंगी? आप लोगों ने देखा होगा स्पैरो जो है आजकल कम हो रही है, ठीक है, तो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन है, क्या कारण है कि क्यों कम हो रही है, तो इसको आप लोग जो है ढूंढे। तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, तो यहाँ पे पोएटस जो है यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो पेड़ है कितने इंपॉर्टेंट है चिड़ियों के लिए, क्योंकि वो ही जो है उनका क्या है, घर है, क्योंकि वहीं पे जो है वो घोंसला बनाती है और वहीं पे जो है वो उनके बच्चे जो है ग्रो करते हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, सेकेंड लाइन में बोला है उन्होंने ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, कि जो ट्रीज होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों के? क्योंकि पेड़ के नीचे जो है बच्चे क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, शाम के समय या सुबह अगर टाइम मिलता है तो क्या करते हैं, वो खेलते हैं, ठीक है। तो ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन बिकॉज, क्योंकि वहां पे जो है वो कोई भी गेम खेलते हैं या स्विंग करते हैं, झूला डालते हैं वहां पे, और किस तरह से जो है वो एंजॉय करते हैं। और अगर पेड़ नहीं होंगे तो बच्चे क्या रहेंगे, धूप में तो खेलेंगे नहीं, तो पेड़ में कहीं हाइड एंड सीक कोई गेम नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो ट्रीज जो है बर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसके नीचे खेलते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, अब यहाँ पे पोएटस ने बताया है कि किस तरह से बच्चे जो है वहां पे खेलते हैं, ट्री हाउसेस बनाते हैं और कैसे करके वहां पे जो है एंजॉय करते हैं। तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो किस तरह से जो है वो ट्री हाउसेस बनाएंगे या वहां पे खेलेंगे, राइट? और पेड़ जो है घर बनाने के लिए, जैसे ट्री हाउसेस, अब लकड़ी क्या हमारी यूज होती है, घरों में भी यूज होती है, दरवाजे बनाने के लिए भी काम आती है, और इवन हम क्या करते हैं उसे फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, और उसमें क्या करते हैं पेड़ों में झूला बना दें, बनाते हैं कि नहीं बता बनाते बच्चों, झूला टांगते हैं सावन के महीने में, क्या डालते हैं, झूला डालते हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप कहाँ स्विंग करेंगे, राइट? तो यहाँ पे पोएटिस कह रही है कि पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट है, टू मेक ट्री हाउसेस के लिए है इंपॉर्टेंट है, स्विंग करने के लिए है, झूला डालने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, और जब हवा चलती है, आप लोगों ने देखो ना जब गर्मी में हवा चलती है तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, वो सीधी चलेगी और इतना उसकी स्पीड रहेगी, तो पेड़ क्या करते हैं उसको ब्लो थ्रू, जो हवा चलती है वो किससे टकराती हुई चलती है, पेड़ों से टकरा के चलती है, जिससे उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे जो है डिस्ट्रक्शन जो है नुकसान होता है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर देखा होगा कहीं बैरन जो हमारी लैंड है और अगर वहां पे हवा चल रही है तो कितनी तेजी से चलती है, और तो यहाँ पे बोल रहे ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, और जो हवा है वो जो है यहाँ से टकराती हुई जो है ब्लो करती है, राइट?
लो मीन्स मूव बाय मूविंग एज पेयर, बाय मूविंग एस एयर, बहना हवा जो है कैसे करके ब्लो करती है, राइट। स्विंग माने होते हैं मूव टू एंड फ्रो, झूला झूलना। टू एंड फ्रो, आगे पीछे झूला झूलते हैं तो कैसे जाते हैं, आगे और पीछे जाते हैं, उसको बोलते हैं मूव टू एंड फ्रो। स्विंग का मीन्स ट्रीज आर टू हाइड, हाइड माने छिपना, ठीक है। हाइड एंड सीक एक गेम होता है, लुका छिपी का गेम होता है, ए चिल्ड्रन हाइडिंग गेम। हाइड एंड सीक क्या होता है, हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है, ए चिल्ड्रन गेम, अ चिल्ड्रन गेम। आप लोग भी खेलते होंगे लुका छिपी का गेम, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हाइड एंड सीक, राइट। तो यहाँ पे पोएटस जो बोल रही है कि ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इट, कि मतलब जो ट्रीज होते पेड़, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, मम्मी आवाज देती है तो छुप जाते हैं ना पेड़ के पीछे, आप लोग भी करते होंगे ना, जब कोई आवाज लगाता है तो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तो यहाँ पे पोएटस कह रही कि पेड़ जो है वो क्या है, बच्चों के लिए जो है हाइड एंड सीक गेम खेलने के लिए होते हैं, कि किस तरह से जो है पेड़ के पीछे जो है बच्चे छिप जाते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंदर, और कई बार हमने देखा है कि पेड़ों के नीचे जो है ताजी ताजी जो है हवा आती है, तो उसके नीचे जो है लोग क्या करते हैं, टी पार्टीज करते हैं अंदर। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू कॉट इन, और कई बार क्या होता है जो हवा चलती है और बच्चे काइट उड़ाते हैं, तो क्या होता है, समटाइम दे किसमें हो जाते हैं, कॉटन द ट्रीज, ट्रीज में जो है फंस जाती है और वहां पे अटक जाती है, होता है ना आप लोगों के भी कभी पतंग जो है उड़ते उड़ते जो है ऊंचे पेड़ पे जो है फंस जाती है। तो यहाँ पे यही बोला है कि पेड़ जो है पतंगों में जो है उलझाने के लिए, मतलब पेड़ जो है किस किस चीज के लिए होते हैं, तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है पेड़ जो है, शर्ली बेवर ने बताया है कि किस तरह से जो पेड़ है चिड़ियों के लिए होते हैं, बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, हाउस बनाने के लिए होते हैं, पेड़ घर बनाने के लिए होते हैं, स्विंग करने के लिए होते हैं, टू मूव टू एंड फ्रो, सिंपल सा है, झूला झूलने के लिए। और हवा जो है स्पीड को जो है क्या करती है, वो रोकती है, जब ब्लो करती है तो किसके बीच से जाती है, पेड़ों के बीच से, तो उसकी स्पीड में थोड़ा सा जो है ऑब्स्टिकल सा आ जाता है। और हाइड एंड सीक, सेकंड क्या बोला उन्होंने, कि हाइड एंड सीक एक गेम होता है बच्चों का, लुका छुपी उसके काम आता है। ट्रीज आर टू हैव अ पार्टीज अंडर, और ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। अब यहाँ पे सिंपल मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। अकॉर्डिंग टू द पोएट शर्ली बेवर, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स एस ए मेक हाउसेज इन दम। रीजन भी दिया है कि क्यों होते हैं पेड़ चिड़ियों के लिए, क्योंकि वो वहां पे अपना घर बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं, और सबको पता है चिड़िया कितनी मेहनत से जो है अपना घर बनाती है, तिनका तिनका उठा के लाती है, कभी आपने देखा है कितनी मेहनत करती है, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो कहाँ बनाएगी अपने घर। तो इस इम्पोर्टेंस को इसलिए बताया है कि लोगों का ध्यान देने के लिए एक मैसेज आता है, कि कोई भी पोएम होती है, कोई चैप्टर आता है, तो कोई ना कोई मैसेज कन्वे करता है पोएट या पोएटस या ऑथर। तो इसमें ये कन्वे कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, या बर्ड्स की लाइफ में, या एनिमल्स की लाइफ में पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स एज दे मेक हाउसेज इन देम, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन हु मेक स्विंग्स ऑन देम। कि ट्रीज जो है कि बच्चों के लिए क्यों है, बिकॉज क्या करते हैं, कुछ मेक स्विंग ऑन देम, झूला झूलते हैं एंड प्ले, और क्या करते हैं, खेलते हैं वहां पे। विंड्स ब्लो थ्रू ट्रीज, और जो हवा चलती है वो भी पेड़ों से होके जाती है, अदरवाइज क्या है, वो सीधी निकल जाएगी। वी प्ले हाइड एंड सीक, और यहाँ पे पोएटिस कहते हैं कि, और जो है बच्चे क्या करते हैं, हाइड एंड सीक का जो है गेम खेलते हैं बिहाइंड द ट्रीज,
पेड़, अगर पेड़ नहीं होंगे तो कैसे खेलेंगे वो हाइड एंड सीक का गेम। वी हैव टी पार्टीज अंडर द ट्रीज ऑफन आर काइट्स, और कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो काइट्स हैं गेट कॉट इन द ट्रीज, वो किसमें फंस जाती है, पेड़ों में जो है फंस जाती है। तो सिंपल सी पोयम है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा। सिंपल पोएटर्स जो है आपको बताना चाहती हैं कि हमारे जो पेड़ है हमारी लाइफ में जो है कितने इम्पोर्टेंट है, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन आर लाइफ, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंड। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन विंटर्स इन समर। अब सर्दियों जब गर्मियां आती है, क्योंकि आजकल तो क्या हो रहा है, आजकल सबको चाहिए, गर्मियां इतनी ही हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये भी इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि हमने इम्पोर्टेंस नहीं देखी कि पेड़ की, कि कितने पेड़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है इन आर लाइफ। अगर हम ये समझते तो आज हम पेड़ जो है डिफोरेस्टेशन नहीं करते। तो यहाँ पे पोएटर्स बताने की कोशिश कर रही है कि ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। अब गर्मियों में हर कोई देखता है ना कि पेड़ कहाँ पेड़ है, और हम जो है वहां पे उसकी जो है शेड में छाया में जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लें, पीस कर लें। और आपको एक और जो है पेड़ के बारे में पता होगा कि अगर पेड़ जो होते हैं क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन वर्ड पढ़ा होगा आपने साइंस में, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि पेड़ों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां जो है बहुत फंक्शन में होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं उन्हें। तो वो अपने जितने भी पार्ट्स होते हैं पेड़ के उनके लिए क्या बनाती है, खाना बनाती है, दैट इज वाई उसको कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। और जब वो खाना बनाती है तो जो ये सारा खाना क्या जाता है पूरे पेड़ को जो है वो ट्रांसफर करती है, और रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि वो जो है पानी जो है एब्जॉर्ब करके पूरे पेड़ में डालती है। तो जब हमें क्यों ठंडा लगता है पेड़ों के नीचे, क्योंकि ट्रांसपीरेशन करती है वो, और ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि पेड़ों में जितना एक्सेस वाटर होता है वो वहां पे जो है एक्सचेंज करती रहती हैं, और दैट इज वाई, क्योंकि कईयों को पता नहीं रहता कि पेड़ के नीचे क्यों ठंडा रहता है, तो पेड़ के नीचे इसलिए ठंडा है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, इसकी वजह से जो है हमें जो है ठंडा लगता है। तो हम जो है गर्मियों में क्या करते हैं, पेड़ों को ढूंढते हैं, और तब हमें पता चलती है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, राइट। और क्योंकि आजकल क्या है ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में क्या हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही, टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है, तो हमें उस समय पता चलता है कि ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है इन आर लाइफ। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। अब विंटर में क्या होता है, उल्टा होता है ना बच्चों, समर में हमें क्या चाहिए, कूल शेड चाहिए, और विंटर्स में क्या चाहिए, हमें धूप चाहिए। तो यहाँ पे जो है पोइटर्स बताने की कोशिश करेंगे कि पेड़ों की इंपॉर्टेंस कितनी है। विंटर्स में क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां जो है गिर जाती हैं, शेड हो जाती हैं, और फिर क्या होता है डायरेक्ट हीट जो है पेड़ों से जो है हमारे पास आ जाती है इन विंटर में। तो पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समर में भी है और विंटर्स में भी है। समर में पूरी हमें शेड देते हैं, वो छाया देते हैं, परंतु विंटर में जो है उनकी पत्तियां जो है शेड हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और हमें जो है धूप जो है जो हमें चाहिए वो हमें विंटर्स में प्रोवाइड करते हैं कौन, ट्रीज, क्लियर। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। अब यहाँ पे दो फलों की बात हो रही है, और वैसे जो है हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं। तो ये यहाँ पे पोएटस कह रही है ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन सेब। अब कई लोगों के हाथों हो सकता है मे बी कि एप्पल लगे भी होंगे, तो फ्रूट्स कहने का मतलब है कि फ्रूट्स और पियर्स, पियर्स मीन्स नाशपति, कहाँ से मिलते हैं हमें, पेड़ों के, सबने देखे होंगे इनके पेड़ एप्पल का और पियर्स का, ये भी हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं बच्चों, पेड़ से मिलते हैं। तो पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हमें छाया देते हैं समर में, विंटर्स में हमें छाया नहीं चाहिए, हमें धूप चाहिए, तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं, जिससे हमें जो है धूप मिले। तो इसी तरह से हमें भी उनकी जो है केयर करनी चाहिए, कि किस तरह से वो हमारी केयर करते हैं, तो हमें भी जो है ट्रीज की केयर करनी चाहिए। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। और जब हम पेड़ों को काट देते हैं, राइट, चॉप कर देते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, टिम्बर। टिम्बर मीन्स क्या होता है, लकड़ी, वुड।
और जिनको हम जो है फ्यूल के रूप में जो है यूज करते हैं, और हम जो है फर्नीचर बनाने के काम में यूज करते हैं। तो ट्रीज जो है हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर वो पेड़ में है तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसको कट डाउन करते हैं तो भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ट्रीज मेक मदर से व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट। अगर पेड़ होते हैं तो क्या होता है, हम जब पेंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों आप लोग, पेंटिंग में पहाड़ भी बनाओगे, माउंटेन भी बनाओगे, उसके साथ पेड़ भी बनाओगे। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि किस तरह से जो है व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज मेक मदर से व्हाट ए लवली पिक्चर। अगर तुम जो है ट्रीज के हैं, अगर पेंटिंग में ट्रीज नहीं होंगे और बहुत ड्राइनेस होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, और अगर उसमें पेड़ बने होंगे तो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल और सुंदर लगेगी। तो पेड़ यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, राइट? अगर हम पिक्चर में बनाते हैं तो भी वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ट्रीज मेक फादर से व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। रेक मने गार्डनिंग टूल। दिस फॉल, ठीक है, गार्डनिंग टूल होता है जिससे कि जो है पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं रेक। व्हाट ए लॉट ऑफ, और जो अगर पेड़ नहीं होते हैं तो फिर वो फादर जो है ये नहीं कहते, मदर ये कहते हैं। अगर पेड़ पेंटिंग में नहीं बने होते हैं तो मदर क्यों बोलती है व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, कि कितनी व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर यू हैव पेंटेड, ठीक है, तो क्यों कहती मदर। तो ट्रीज मेक फादर से, और फादर को ये कहने की मजबूर क्यों करते हैं कि व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स, कि इतनी सारी पत्तियां हैं पतझड़ में इकट्ठा करना, कि जब फॉल होता है कब होती है पत्तियां कब झड़ती हैं, जब पतझड़ आता है, ठीक है, जब पेड़ों की जो है सारी पत्तियां जो है गिर जाती है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया कि व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। तो ये है गार्डनिंग टूल। राइट, तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। ट्रीज गिव्स अस, क्या कहते हैं ट्रीज, ट्रीज गिव्स अस कूल शेड इन समर, कि समर में हमें क्या देते हैं, कूल शेड देते हैं। इन विंटर दे लूज देयर लीव्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो है पत्तियां जो है गिर जाती हैं, तो क्या होता है डायरेक्ट जो हीट हमें है, जो विंटर में हमें जरूरत है, वो जो है हमें मिल जाती है। एप्पल्स एंड पियर्स ग्रो ऑन ट्रीज। अब जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पियर्स हो गए, ये सब हमें कहाँ पे मिलते हैं, पेड़ों पेड़ से मिलते हैं, राइट? अमरूद हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो हैं, जैसे यहाँ पे डिस्कस भी कराया है पोएटस ने कि टेक ए फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ, कि तुम लोग जो है आपस में क्या करो, बातें करो, और ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रीज के नाम जिनको पता है वो जो है एक साइड में चाहे लिख भी सकते हो और डिस्कस भी कर सकते हो, या तुमने देखे हैं या तुमने सुने हैं, ठीक है। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस, और ये भी मेंशन करो कि पेड़ जो है हमें क्या क्या देते हैं। अब पोएट ने तो कई चीजें बताई, कई चीजें नहीं बताई, तो वो आप लोग लिख सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन देती है ट्रीज, ठीक है, और क्या करती है, एटमोस्फेयर को प्यूरिफाई भी करते हैं पेड़। तो ये भी जो है आप पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है घर में जाके दिस इज योर होमवर्क कि मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस जो हमें देती हैं, राइट? वी कट देम डाउन फॉर टिम्बर। अब हम वुड विच वी यूज इन आवर हाउसेस, जो हम अपने घरों में जो है यूज करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कट डाउन ट्रीज। आर मदर्स पेंट ट्रीज ऑन द शीट्स एंड कॉल देम लवली। अब मदर जो है यहाँ पे क्या करती है, ट्रीज मेक मदर से जो है पेंटिंग करती हैं और उसमें ट्री बनाती हैं देम लवली पिक्चर्स। अब पेड़ के बिना कोई पिक्चर्स जो है सुंदर नहीं लिखते हैं, कोई भी पिक्चर आप पेंटिंग करते हो तो अगर उसमें पेड़ पौधे फूल होते हैं तो और भी सुंदर दिखाई देती है। आर फादर्स ऑफन गेट इरिटेटेड, और कई बार जो फादर होते हैं थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, क्यों होते हैं इरिटेट, क्योंकि जब पतझड़ आता है तो पेड़ों से क्या होते हैं सारी पत्तियां जो है नीचे गिर जाती हैं और उनको जो इकट्ठा करना पड़ता है, तो दैट इज वाई यहाँ पे पोइटस ने बोला है कि आर फादर्स ऑफन कभी कभी जो है गेट इरिटेटेड बाय सीइंग अ लॉट ऑफ लीव्स, ऑफन गेट
ठीक है, लॉट ऑफ लीव्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, जब नीचे जो है पत्तियां गिर जाती हैं तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, कौन? फादर. हेंस ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस एंड, और फिर भी वो कह रहे हैं कि ट्रीज जो है क्या है, हेंस ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए बहुत जो है हेल्पफुल है. एंड वी शुड लव, और हम सबको क्या करना चाहिए, उनसे लव रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम. मेन पॉइंट क्या है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, कि जिस तरह से जो है हमें, आप लोगों को भी जो है एक होमवर्क है कि आप लोग भी जो है अपने घर के पास, अगर आपके पास जमीन है तो उसमें एक प्लांट जो है जरूर लगाएं, जिससे कि जो है आपके घर का जो है वो एटमोसफेयर है वो क्या रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा और ऑक्सीजन लेवल भी जो है बढ़ जाएगा. क्योंकि आजकल क्या करते हैं, सब लोग जो है पेड़ों को काट देते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है. तो आप लोगों की यही होमवर्क है कि आप लोग जो है ट्रीज के इम्पोर्टेंस को समझें, और क्या इम्पोर्टेंस है इन योर लाइफ, ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, इस बात को समझें और अपने घर के आसपास जो है पेड़ों को लगाएं. तो बच्चों, अभी हमने पोएम पढ़ी है ट्रीज, शर्ली बेवर की लिखी हुई है ये, और आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. इट्स वेरी सिंपल. और जैसे कि आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ये भी किसके कारण हो रही है, ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. और आप लोग भी समझें कि इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन योर लाइफ, और उसको जो है आप लोग रिस्पेक्ट करें पेड़ों की, और जो है उनको प्रोटेक्ट करें. और अगर आपको जो है समय मिले और जगह मिले तो जरूर जो है प्लांट्स लगाएं आप लोग, जिससे कि थोड़ी सी जो है हेल्प हो जाए टू मेंटेन द इको बैलेंस. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.